एम सॉल्यूशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आज 17वां भाग है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि वेक्टर ए बराबर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप और वेक्टर बी बराबर बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप हो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। आज इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इसे हल करने के लिए जो चीज़ें दी हुई हैं पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। दिया है वेक्टर ए इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और दूसरा चीज़ दिया कि वेक्टर बी इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। और यदि दो वेक्टर यानी दो सदिश परस्पर लंब होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि ये हमें पता है थ्योरी में दिया हुआ है बुक में कि यदि दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल शून्य होगा। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो होगा। अब वेक्टर ए की जगह पर ए का वैल्यू हम लिख देंगे और वेक्टर बी की जगह पर वेक्टर बी का वैल्यू लिख देंगे और इसे तब हल करेंगे। तो वेक्टर ए की जगह पर हम लिख देते हैं ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, कोष्ठक बंद, डॉट, दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर बी का मान लिख देंगे बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, कोष्ठक बंद, इक्वल टू जीरो। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा है, आप अब देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर लिख देंगे जीरो, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो है। ए का मान यहाँ है और वेक्टर बी का मान यहाँ है, बराबर जीरो। अब हम इसका गुणा करेंगे। तो गुणा करने वाला चीज़ मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि दो सदिशों का अदिश गुणन किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ आई वाले गुणांक का गुणा आई वाले गुणांक से होगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करने के लिए हम केवल ए वन का बी वन से गुणा कर देंगे, ए टू का बी टू से और ए थ्री का बी थ्री से। तो हो जाएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री इक्वल टू जीरो। ये हुआ हमारा आंसर और यही इसका प्रतिबंध है। सवाल नंबर दो है, वेक्टर ए बराबर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप और वेक्टर बी बराबर बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, दो शून्येतर समांतर सदिश हो तो ए वन बी वन ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री में संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम जो दिया है उसे यहाँ पर नोट कर लेते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और उसके नीचे वेक्टर बी का मान लिख देते हैं। वेक्टर बी का मान दिया है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो समांतर सदिश होने के नाते ए वन बी वन और ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री में संबंध ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट तुलना कर देंगे, लिख देंगे आई
कैप कामा जे कैप कामा के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना के रूप में ज्यादातर हम भाग से ही तुलना करते हैं, भाग देकर ही। तो हम आई का गुणांक बटे आई का गुणांक यानी हो जाएगा ए वन बाई बी वन इक्वल टू ए टू बाई बी टू इक्वल टू ए थ्री बाई बी थ्री, और यही अभीष्ट प्रतिबंध है, यही अभीष्ट संबंध है। इस सवाल में कुछ नहीं है, बस आप ए वन वेक्टर ए का मान लिख दो, वेक्टर बी का मान लिख दो, आई जे के गुणांकों की तुलना करके बटे बटे में करके लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। परीक्षा में बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन में ही इसका उत्तर छिपा, बस एक लाइन बढ़ाने की जरूरत है। ये दोनों लाइनें तो क्वेश्चन में थी और बस हमने ये दो लाइन बढ़ाई, ये बात जो मैंने लिखा ये और इसको जो आंसर के रूप में लाया ये, तो बस थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो परीक्षा में आराम से कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेक्टर ए बराबर 2i-4k कैप, वेक्टर बी बराबर i-j+2k। इसके ऊपर कैप भी हम बोल सकते हैं, कैप नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। तो ज्ञात करना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई के बाद सीधे के दिया हुआ है, जे नहीं दिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जे नहीं है तो समझ लीजिए कि जे और जे का गुणांक दोनों क्या है, शून्य है। तो इस तरीके से हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू 2i-4k, वेक्टर बी इक्वल टू i-j+2k। अब हमको ज्ञात करना था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर लिख लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का मान कोष्ठक में 2i-4k डॉट दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर बी का मान i-j+2k। अब आपको गुणा करना है आई के गुणांक का आई के गुणांक से, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 2। अब यहाँ देख सकते हैं कि जे वाला पद नहीं है और जे वाले में गुणा करना, तो जब यहाँ पर जे वाला नहीं है इसका मतलब जे का गुणांक शून्य है, शून्य का शून्य में गुणा होगा तो आएगा 0 आएगा। अब देख लीजिए के का गुणांक, तो -4 × +2 तो 4 × 2 = 8, -8, 2 में से 8 घटाएंगे आएगा -6, तो ये हो गया आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि आई को क्यों छोड़ दिया जा रहा है, जे को क्यों छोड़ दिया जा रहा है, के को क्यों छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि i × i = होता है 1। मैं इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि वेक्टर i × i = होता है 1, वेक्टर j into वेक्टर j = होता है 1, और वेक्टर k यूनिट वेक्टर k × यूनिट वेक्टर k = होगा 1। तो इन तीनों का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर इनके साथ 1 1 बार बार लिखने की ज़रूरत क्या है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्टली छोड़ देते हैं, जबकि उसके अंदर ये राज छिपा होता है जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको सवाल समझ में आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर लिए हो तो दूसरे मित्रों के पास जरूर शेयर करें और उनकी हेल्प करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए एम सॉल्यूशन। बाय।